आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चीन की। चीन की ख्वाहिश है कि ताइवान उसके सामने हथियार डाल दे और वो चीन की सरकार की इच्छी हुजूरी भी करे, यानी ताइवान पर चीन का राज हो, लेकिन ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में चीन के पास ताइवान पर हमले के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जिसका डर अब पूरी की पूरी दुनिया को एक तरीके से सताने लगा है। दुनिया को डर सता रहा है कि चीन का ताइवान पर हमला ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि ताइवान पर अगर चीन का हमला होता है तो सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि चीन एशिया और यूरोप को लगातार साधने में लगा हुआ है। कूटनीतिक तौर पर उसकी नजर अब कनाडा पर बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरह कनाडा भी चीन का विरोधी रहा है। इसी बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन कनाडा और उनके संस्थानों के खिलाफ आक्रामक खेल खेल रहा है। उधर जस्टिन ट्रूडो के इस बयान पर चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा है, कनाडा को चीन के साथ संबंधों को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। जाहिर है चीन हर उस मुल्क के खिलाफ आक्रामक हो चुका है जो ताइवान पर उसकी नीतियों का विरोध कर रहा है, और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध की एक और नई चिंगारी भड़क सकती है।